मैं मेरी तरफ से तो यही है कि राजस्थान सरकार ने जो पहल की है वो स्वागत योग्य है, क्योंकि हम तो 15 साल से एक वनवास की जिंदगी जी गए थे, अल्प मानदेय पे अपन काम कर रहे थे। फिलहाल हमको सरकार 16,900 पर लेके आई है। मैं पूरे प्रदेश के समस्त संविदा कर्मियों को ये बता देना चाहता हूँ कि सरकार ने जो IAS पैटर्न लागू किया है, निश्चित तौर पे संगठन के प्रत्येक पदाधिकारी ने उस पर कड़ा एतराज जताया। राजस्थान सरकार के जितने भी मंत्री, प्रभारी मंत्री अपने जिलों में आए हैं, अभी हाल ही के दिनों में मेरे जिले में भी अशोक चांद्रा जी प्रभारी मंत्री हैं, वो आए थे और मैं सर्किट हाउस में उनसे मिला। उन्होंने कड़ी आपत्ति उनके सामने दर्ज कराई कि ये जो IAS पैटर्न आपने यहाँ पे लागू किया है, इससे किसी भी संविदा कर्मी का कोई बदलाव नहीं होगा। इसलिए आप IAS पैटर्न जो है इसमें आप बदलाव करिए और हमारा खुद का अनुभव, जो विद्यार्थी मित्र का अनुभव है, आप इसमें ऐड करिए। और ये निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि सरकार उसमें फेरबदल 100% उसमें फेरबदल करने वाली है। और जैसे फेरबदल होता है, और उसके साथ ये भी उन्होंने हमें भरोसा दिलाया कि आपका विद्यार्थी मित्र का जो खुद का अनुभव है उसको भी इसमें इंक्लूड करेंगे, और जैसे इसमें उसको इंक्लूड कर देते हैं तो हम स्क्रीनिंग के पात्र हो जाएंगे। और हमारी स्क्रीनिंग होकर के, जैसे ही हमारी स्क्रीनिंग होती है, हम स्वतः ही नियमित हो जाएंगे और हमारी सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा और हम एक सुखद जिंदगी सुखद पलों के साथ जिएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। इस सरकार हमारे साथ विश्वासघात नहीं करेगी, बहुत अच्छा करने वाली है। साथ ही मैं अगर एक बात और कहूं कि हमारे प्रदेश के, हमारे संगठन के प्रदेश संयोजक रामजीत पटेल जी, जिन्होंने संगठन में एक आंख, एक चांद फूंकने का काम किया और संगठन को आगे लेकर के प्रीमियर जसरापुर और अपनी पूरी हमारी टीम के साथ लेकर के चले, लेकिन जो कुछ लोग आज जो उनके साथ हैं, कहावत ये भी है अगर एक तरीके से देखा जाए कि कुछ लोगों का दुर्भाग्य ऐसा होता है कि अगर दुर्भाग्यशाली व्यक्ति के साथ अपन बैठ जाए तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेंगे। जिन लोगों को संगठन के 27,000 परिवारों ने बागडोर सौंपी, 14 साल तक उन्होंने नेतृत्व किया लेकिन लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए, ये हमारी कहीं ना कहीं नाकामी रही, विफलता रही, जिसका परिणाम ये रहा कि उस कारखाने को दरकिनार कर दिया गया और नई कारखाने अस्तित्व में आई और जिसने बहुत अच्छा काम अभी तक किया है, तो वो अपनी खोई हुई जमीन तलाशने के लिए आज पुनः जागृत हुए हैं, जागृत अवस्था में आए हैं, लोगों को भटकाने का काम कर रहे हैं। लेकिन प्रदेश का 27,000 जो पंचायत सहायक, विद्यालय सहायक या पंचायत शिक्षक के हाल ही के दिनों में जो आदेश हुए हैं, सभी लोग संतुष्ट हैं और उनको पूरा विश्वास है कि सरकार हमारे साथ विश्वासघात नहीं कर रही, हमारे साथ बहुत अच्छा काम करने वाली है और हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। और सभी को मैं आश्वस्त करता हूं कि सरकार हमारे लिए नियमितीकरण के दरवाजे खोलने वाली है बहुत जल्द। एक मेरा सर एक ही व्यक्तित्व है, मैंने आपको पहले कहा था, पहले आप मेरी आवाज साफ नहीं आ रही थी, मैं किसी प्रोग्राम का विरोध नहीं करता हूं, पर जब मुख्यमंत्री महोदय ने, आला कमान ने आश्वस्त कर दिया है, जब राजस्थान के पूरे भारत के अखबारों में, पूरे भारत के मल्टीमीडिया पेपर मीडिया में ये न्यूज छप चुकी है कि जब 1,10,000 संविदा कर्मियों को हम स्थायी कर रहे हैं, तो हमको सरकार को एक समय देना चाहिए, ठीक है ना। अब लोग बात कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, तो ठीक है, आपने क्या पा लिया 14 सालों में, 14 साल भी आपने वेट किया, आज सरकार ने आपको 6,000 से उतार के 16,900 पे लिया है आपको, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो ठीक है एक महीना और निकालना चाहिए। सरकार जो दे रही है अभी, तो सरकार ने पूरे पत्ते खोले भी नहीं है, एक बार सरकार की पूरी प्रक्रिया देखो, सरकार ने आपके लिए क्या किया है। ठीक है हमने तो 2008 से संघर्ष किया है, पर जो मदरसा पैरा टीचर जो शिक्षा कर्मी 1999 से 2000 से हमारे साथ कार्यरत है, तो उनके लिए भी सरकार ने जो नियम लागू किए हैं हमारे तर्ज पे किए हैं। हाँ हम विरोध करते हैं सरकार का 3-1 का जो IAS पैटर्न है उसका हम विरोध करते हैं और उसका विरोध हम सुचारू रूप से करते रहेंगे, पर जब मुख्यमंत्री महोदय ये कह रहे हैं कि आप इस समस्या का समाधान हम करेंगे, इस समस्या का समाधान हमको देखना चाहिए और हमको सरकार को समय देना चाहिए, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है जी। तो सर समय तो देना चाहिए, क्योंकि निवेदन करता हूं कि जब से हमने 10 दिसंबर से जैसे मैंने ज्वाइनिंग की है, काफी विद्यालय सहायकों ने, पंचायत शिक्षकों ने ज्वाइनिंग की है, आज हमको 5 महीने हो गए हैं, 5वां महीना चल रहा है, वेतन नहीं मिल रहा है, तो वेतन मिलने की भी एक सत्य प्रक्रिया होती है, हर एक चीज का एक प्रोसेस होता है,
कि आपका आईडी बनेगी, आपकी एम्प्लॉय आईडी बनेगी, आपका डीडीओ में वेतन जाएगा, आपका सीबीओ में वेतन जाएगा, उसके बाद आपका ट्रेजरी में जाएगा, आपको वेतन मिलेगा। तो सरकार के पास बहुत हेडर, ठीक है, सरकार जो चाह रही है उसको आप देखो। और मुझे नहीं लगता है कि सरकार हमारे साथ गद्दारी करेगी जी, क्योंकि आज प्रचार किया है 1,10,000 कर्मचारियों का। मुझे नहीं लगता है कि सरकार इस व्यक्ति से कभी पीछे हटेगी। अगर 2008 से करते हैं तो और करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब 2013 गवर्नमेंट का पैसा है, मैं आपकी बात से व्यक्ति से बिल्कुल वाकिफ हूँ। जैसे मैं आसिन ब्लॉक का हूँ, भिलवाड़ा जिले की बात करता हूँ, आसिन में हमारे ब्लॉक में 70 लाख का पेमेंट पड़ा है और इसमें देरी हो रही है पीओ की। जहाँ पे आईडी नहीं बनी है वहां पर आईडी बनाई जा रही है। मैं खुद व्यक्तिगत पीओ के पास जाके हमारे जो कर्मचारी आईडी बना रहा हूँ। आज भी हमारे सीबीओ है, नागले साहब काफी सपोर्टेड, प्रशासन काफी सपोर्ट कर रहा है हमको। आईडी बन रही है, व्यक्तिगत आईडी बन रही है, व्यक्तिगत आईडी हमारे एम्प्लॉय आईडी। और सबसे बड़ी चीज, जो पंचायत सहायक अक्टूबर से उनका जिनका वेतन नहीं मिला था, जो पंचायत सहायक रह चुके हैं अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, वो तीनों महीनों का वेतन गवर्नमेंट जो पंचायत में रह चुके हैं वो अभी शिक्षा विभाग से लागू हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सरकार की जी। क्या चाहिए सर, सॉरी सुन नहीं पाए। नियमितीकरण, ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब केवल और केवल सरकार के पास है। नियमितीकरण बहुत बड़ी चीज है सर, हर चीज की एक स्टेप होती है। आज बच्चा होता है वो भी एक माता के गर्भ में 9 महीने रहता है सर, ठीक है। बच्चा पैदा होता है वो बड़ा होता है, हर एक चीज की एक स्टेप होती है, ठीक है ना। तो वो चीज मैं नहीं कह रहा हूँ कि नियमितीकरण नहीं हो, नियमितीकरण इसी सरकार में होगा, 100% होगा और वो होके रहेगा। अगर नियमितीकरण का हमको कभी भी लगेगा सरकार इसमें आनाकानी करती है, तो हम गांधीवादी विचारधारा के भी समर्थित है और हम भगत सिंह भी बनना जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर जब हमको लग रहा है कि सरकार हमारे गांधीवादी विचारधारा से समर्थन कर रही है, तो हमको भगत सिंह। अनट्रेंड भाइयों की अगर बात की जाए तो मैंने आपको अभी पहले भी बताया, उस दिन मेरी बहुत सारी मांगे थी। जब अशोक चांद्रा जी आए तब मैंने उनसे यह कहा था कि हम जो 27,000 परिवार हैं, हमें तोड़ने का काम बिल्कुल भी आप ना करें, क्योंकि इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। हमारा 27,000 का परिवार शुरू से था, कुनवा हमारा आबाद रहे, ये आपको हमें आशीष देना चाहिए। तोड़ने का काम आप मत करिए। अगर फिर भी आप ये काम कर रहे हैं तो सरकार में आज से हम 15-16 साल से हम काम कर अल्प मानदेय पे कर रहे हैं, इतना टाइम नहीं ताकि अपन बीएड कर सके, क्योंकि बीएड या डीएलएड बीएचटी से जो भी होती है वो रेगुलर डिग्रियां होती हैं, और रेगुलर डिग्रियां अपन नौकरी भी करें वो भी करें तो नहीं कर पाएंगे। और बेस कीमती जो 15 साल हमारी या 16 साल थी जिनकी कोई कीमत नहीं थी, बेशकीमती समय थी जहां हम अपनी जिंदगी बना सकते थे या उजाड़ सकते थे, फिलहाल तो उजाड़ने का ही काम हुआ, बनी नहीं। तो अब हमने ये सरकार से कहा कि आप अपने खर्चे पर हमारे लोगों को, जो 6-7 हजार हमारे लोग शेष बचे हैं, उनको आप बीएड बीएचटीसी डीएलएड कराइए। जिस प्रकार से आपने प्रबोधक बनाए 2008 में, प्रबोधकों को आपने अपने खर्चे पर बीएड डीएलएड बीएचटीसी कराई, तो आप भी हमारे लिए वही रास्ता खोले और हमको भी आप बीएड बीएचटीसी और डीएलएड हमारे जो भी साथी अनट्रेंड है उनको कराएं और उनको सम्मानजनक तरीके से पंचायत शिक्षक के पद पर सुशोभित करें, जिससे कि सबका भला हो सके, हमें तोड़ने का प्रयास न करें। तो चांदना जी ने ये मुझे पूरी तरीके से आश्वस्त किया था कि आप चिंता न करें, आपकी पीड़ा माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक मैं कल हर हाल में उनके सामने प्रेषित कर दूंगा, जिस पर मैं पूरा विश्वास है कि सरकार काम करेगी। और काम करने की भी अगर एक चीज देखी जाए, एक नजरिया ये भी है कि सरकार सत्ता में पुनः वापसी चाहती है। जननायक महोदय का पूर्ण रूपेण ये दृढ़ संकल्प है कि मुझे कैसे भी करके सरकार वापस लानी है, और सरकार वापस लानी है तो इस समय तो आप प्रेम से सरकार से मांगो, सरकार देने के लिए तैयार बैठी है। रही बात आपने कहा कि आंदोलन की, तो आंदोलन ये एक अपना नजरिया होता है, और जहां तक देखा जाए कोई भी संगठन है वो जिंदा है या मुर्दा है, अगर वो जिंदा है तो आंदोलन भी करेगा। एक अपनी सोच होती है हर एक व्यक्ति की, अपनी एक आइडियोलॉजी है, उस हिसाब से व्यक्ति काम करता है।
हमारे कुछ लोगों की ये सोच है कि हमें इस समय एक मजबूत टाइम है कि हमें आंदोलन करना चाहिए, लेकिन अगर ये देखा जाए वो लोग भी लगातार मंत्री अधिकारियों के संपर्क में हैं और उन लोगों ने भी इस चीज को कहा कि सरकार हमारे लिए आईएस पैटर्न में फेरबदल कर रही है, हमें नियमितीकरण का दरवाजा हमारे लिए खोल दिया है, तो उचित समय पर अगर प्रहार करें, लोहा गर्म है और भविष्य में प्रहार किया जाए तो हम अपने लक्ष्य को भेज सकते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने ये समय चुना है तो उनके लिए भी अग्रिम बधाइयां और शुभकामनाएं, सफल हों, 27,000 लोगों के घरों में कैसे भी खुशियां आए, ये उनकी सोच है और वो एक अपनी सोच अपना विजन लेकर के चल रहे हैं, तो हमारी ओर से तो उनको भी बहुत बहुत बधाइयां, खूब खूब ढेर सारी बधाइयां के सबके घरों में खुशियां लेकर के आए, सफल हों। जब जी आपका भी और एक चाहिए, नए पंचायत शिक्षक चाहिए, हमको चाहिए तो केवल पे नियमितीकरण, नियमितीकरण हमको केवल नियमितीकरण चाहिए। हम इन सरकार के जो झांसे हैं उनमें हम नहीं उलझेंगे, पर हम सरकार को समय इसलिए दे रहे हैं, 1,10,000 कर्मचारियों का जो सरकार ने नियमितीकरण का वादा किया है, और मुझे आज हमारे, मैं भिलोड़ा जिले से का निवासी हूँ, मंत्री महोदय रामलाल जाट जो हमारे संविधान कमेटी के मेंबर रह चुके हैं, माननीय धीरज जी गुजर बीज निगम का अध्यक्ष, उन्होंने मुझे पूर्ण रूप से आश्वस्त किया है कि आपका सरकार बहुत अच्छा कर रही है, और मैं उनका पूर्ण विश्वास करता हूं कि सरकार हमारा बहुत अच्छा कर रही है। इस बात से हम भी सहमत हैं और पूरे प्रदेश का 27,000 व्यक्ति सहमत है। मैंने आपसे 3 वर्ष पहले भी कहा था कि जैसे ही रामलाल मंत्री बने, वो एक ऐसे व्यक्ति है, ऐसे व्यक्तित्व के धनी है, कृतित्व और व्यक्तित्व में कोई अंतर नहीं है, उन्होंने अगर कोई कमिटमेंट कर दी उस कमिटमेंट को वो पूरा करते हैं, हर हाल में पूरा करते हैं, और उन्होंने जिस प्रकार से हमें रास्ता दिखाते गए कि अब आपके लिए ये होने वाला है और हम ये करने जा रहे हैं, उसी प्रकार से हमारा सारा काम होते आ रहे हैं, और मंत्री महोदय बार बार यही कह रहे हैं कि हम आपको नियमित करेंगे और नियमित की ओर हम धीरे धीरे